बिल्डर की मनमानी और बायर्स के बढ़ते गुस्से को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी की नींद खुली है। बायर्स के साथ नोएडा अथॉरिटी ने बैठक की और बायर्स को ये भरोसा दिलाया है कि हर हफ्ते बिल्डर के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जाएगी। बरसों से घर का सपना पूरा होने का इंतजार कर रहे बायर्स इस बात से खुश हैं कि देर ही सही, लेकिन यूपी सरकार ने बिल्डर्स के खिलाफ कदम उठाने की बात कही है। बायर्स अपनी मुश्किलों को लेकर नोएडा अथॉरिटी से मिले। बायर्स आरोप लगा रहे हैं कि बिल्डर्स सभी सुविधाओं के लिए चार्ज वसूल रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। दो साल हो गए हैं डिलेड प्रोजेक्ट ऑलरेडी, लेकिन दो साल से हम वहाँ रह भी रहे हैं, तब भी अगर जो हमें प्रॉमिस किया गया बेसिक फैसिलिटीज आर मिसिंग, फायर फाइटिंग नहीं है, लिफ्ट जो प्रॉमिस की गई थी वो नहीं है, मेंटेनेंस पैथेटिक, तो तब जो ड्रीम प्रोजेक्ट सफायर का कह के हमें लग्जरियस लिविंग कह के हमें बेचा गया था वो तो है ही नहीं। नोएडा के बायर्स इसलिए भी परेशान हैं कि रजिस्ट्री चार्ज 2% बढ़ रहे हैं और कई सालों से बिल्डर ने रजिस्ट्री का काम पूरा नहीं किया है। बिल्डर्स की इस गलती से बायर्स को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। 2% हाइक होने वाला है प्रशासन की तरफ से, 5-7% करने वाले हैं, और हम लोगों ने ऑलरेडी जो है अपना स्टैम्प पेपर वगैरह 2 साल पहले 1.5 साल पहले ही 4-4, 5-5 लाख रुपया जमा कर चुके हैं हम लोग, तो अगर अब ये 5-7% हो जाता है तो 1.5-2 लाख का हमारे को और झटका लगता है। बिल्डर के खिलाफ बायर्स कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन यूपी सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब अथॉरिटी भी काफी सख्त हो गई है। अथॉरिटी ने बायर्स को आश्वासन दिया है कि बिल्डर के प्रोजेक्ट की हर हफ्ते समीक्षा की जाएगी, ताकि बायर्स को किसी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। गौरव खोसला, सी मीडिया।